हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसी नई अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज की बात करने वाले हैं जो ऑफिशियली साउथ इंडियन मूवी का रीमेक हो। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आती है वो मूवी है वेत्ताई। वेत्ताई 2012 की तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया था एन लिंगुसामी ने। मूवी के लीड रोल में थे आर माधवन, आर्या, समीरा रेड्डी और अमला पॉल। इस मूवी का पहले 2013 में तेलुगु लैंग्वेज में रीमेक बना था जिसका नाम दिया था थड़ाका, जिसके लीड रोल में थे नागा चैतन्य, तमन्ना और सुनील। इस मूवी को बाद में बंगाली और ओडिया लैंग्वेज में भी रीमेक बनाया गया था। बंगाली में 2014 में हिटमैन के नाम से और ओडिया में हैप्पी लकी नाम से 2018 में रीमेक बनाया गया था। और अब इस मूवी का हिंदी में रीमेक बन चुका है जिसको नाम दिया है बागी 3। उस मूवी के लीड रोल में है टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, जिसको डायरेक्ट किया है अहमद खान ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है साजिद नडियादवाला और फॉक्स स्टार स्टूडियो ने। बागी 3 का ट्रेलर यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुका है जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। ट्रेलर को देखते समय ऐसा महसूस होता है कि इसमें काफी कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ओरिजिनल मूवी यानी कि वेत्ताई मूवी से उन्होंने बेस उठाया हुआ है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस और थोड़ी बहुत स्टोरी में चेंजेस किए हुए हैं। अदरवाइज मूवी का मेन प्लॉट सेम है जिसमें दो भाई रहते हैं, जिसमें बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर रहता है जो डरपोक है और छोटा भाई बागी यानी कि रिबेल रहता है, और छोटा भाई जो बड़े भाई के सभी केसेस को सॉल्व करता है और क्रेडिट बड़े भाई को मिलती है। इस मूवी में बड़े भाई का रोल प्ले किया है रितेश देशमुख ने और छोटे भाई का रोल प्ले किया हुआ है टाइगर श्रॉफ ने। बागी 3 जल्दी आपको 6 मार्च को हिंदी डब में सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। वैसे तो इस मूवी का तेलुगु रीमेक यानी कि थड़ाका हिंदी डब में अवेलेबल है जो हिंदी डब में थड़ाका के नाम से यूट्यूब पे गोलमेज टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो इस लिस्ट में आने वाली दूसरी मूवी है कंचना यानी कि मुनी 2, जो 2011 की तमिल ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया है राघव लॉरेंस ने। मूवी के लीड रोल में है राघव लॉरेंस, आर शरत कुमार, लक्ष्मी राय और कोवाई सरला। इस मूवी को भी 4 लैंग्वेज में रीमेक बनाया गया है। इस मूवी का कन्नड़ा में 2012 में कल्पना के नाम से रीमेक बना था जिसके लीड रोल में थे उपेंद्र, लक्ष्मी राय और साई कुमार। उसके बाद श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज में 2016 में माया के नाम से और बंगाली में 2017 में माया बिनी के नाम से रीमेक बनाया गया था। और इस मूवी का हिंदी डब वर्जन में लक्ष्मी बॉम के नाम से रीमेक बनाया जा रहा है जिसके डायरेक्टर है राघव लॉरेंस, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म यानी कंचना को भी डायरेक्ट किया हुआ था। वैसे तो कंचना और कल्पना दोनों मूवीज के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट की है गोलमेज टेलीफिल्म्स ने और ये मूवी दोनों ऑफिशियली गोलमेज टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब बात करें लक्ष्मी बॉम की, तो लक्ष्मी बॉम मूवी के लीड रोल में है अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी और तुषार कपूर। मूवी को प्रोड्यूस किया है फॉक्स स्टार स्टूडियो, अक्षय कुमार, साबिना खान ने। लक्ष्मी बॉम मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील कर दिया गया है जिसमें आपको अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर के रोल में देखने को मिलेंगे। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है, राघव जो एक जॉबलेस है हमेशा फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता रहता है, जो भूतों से डरता है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट की वजह से उसके अंदर एक एविल स्पिरिट एंटर कर लेती है। और वो राघव की बॉडी में क्यों घुसी है और उसका मकसद क्या है, यही मूवी की मेन स्टोरी है जिसे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बो के साथ बनाया गया है। लक्ष्मी बॉम मूवी आपको जल्दी आपको ईद के मौके पर 22 मई 2020 को थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस लिस्ट में आने वाली तीसरी मूवी है वो है टैक्सी वाला। टैक्सी वाला 2018 की तेलुगु सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है राहुल संक्रित्यान ने। मूवी के लीड रोल में है विजय देवरकोंडा, प्रियंका ज्वालकर, मालविका नेर और मधुनंदन। इस मूवी के हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट हो चुके हैं और इस मूवी के हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट किए अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा ने, जिसको हिंदी में टाइटल दिया गया है खाली पीली। और इस मूवी को हिंदी में डायरेक्ट करने वाले हैं मकबूल खान। मूवी के लीड रोल में ईशान खत्तर, अनन्या पांडे, जयदीप अहलावत और सतीश कौशिक। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है, शिवा जो कई जॉब ट्राई कर चुका है लेकिन वो किसी जॉब में फिट नहीं हो पा रहा है, फाइनली वो कैब ड्राइवर बन जाता है और अच्छी तरह से जॉब कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट फेस करता है, खास करके तब जब वो कार ड्राइव कर रहा होता है और उसे जब इस बात का पता चलता है तब वो इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए ट्राई करता है। तो अब इस मूवी का हिंदी वर्जन यानी कि खाली पीली आपको 12 जुलाई 2020 को हिंदी में देखने को मिलने वाला है। वैसे तो टैक्सी वाला मूवी आपको Zee5 ऐप पे हिंदी डब में सुपर टैक्सी के नाम से देखने को मिल जाएगी।
तो इस लिस्ट में आने वाली चौथी मूवी है वो है जर्सी। जर्सी 2019 की तेलुगु स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया है गौतम तिनानूरी ने। मूवी के लीड रोल में है नेचुरल स्टार नानी, श्रद्धा श्रीनाथ, सत्यराज, रोनित कामरा, सानूसा, जिसको हिंदी में रीमेक किया जा रहा है। हिंदी में सेम नाम से इस मूवी का रीमेक कर रहे हैं, जिसके लीड रोल में शाहिद कपूर और उनके साथ आपको फिल्म में मृणाल ठाकुर, रोनित कामरा, पंकज कपूर देखने को मिलने वाले है। हिंदी वर्जन को भी जर्सी मूवी के ओरिजिनल डायरेक्टर यानी कि गौतम तिनानूरी ने ही डायरेक्ट किया हुआ है और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अमन गिल, दिल राजू और अल्लू अरविंद। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। अर्जुन जो 36 साल का हो चुका है, जो एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन उसने 10 साल पहले ही क्रिकेट छोड़ दिया था और वो अभी एक लूजर की जिंदगी जी रहा है। अब वो अपने बच्चे की विश पूरी करने के लिए 36 साल की उम्र में फिर से क्रिकेट खेलना चाहता है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है। आखिर में उसने 10 साल पहले क्रिकेट क्यों छोड़ा था और क्या वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएगा, यही फिल्म की मेन स्टोरी है जिसपे कुछ ट्विस्ट और टर्न्स डाले हुए हैं। जर्सी मूवी का हिंदी वर्जन यानी कि हिंदी रीमेक वर्जन आपको 28 अगस्त 2020 को देखने को मिलने वाला है। वैसे तो जर्सी का हिंदी डब वर्जन आपको गोलमेंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने हिंदी डब वर्जन नहीं देखा हुआ है तो प्लीज उसे मत देखिएगा। हिंदी रिलीज का वेट कीजिएगा या तो फिर आप तेलुगु वर्जन को ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखिएगा, क्योंकि हिंदी डब वर्जन को बहुत ही बेकार तरीके से डब किया गया है, जिसमें फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी बिगाड़ा हुआ है और सस्पेंस एलिमेंट को पहले ही रिवील कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरी फिल्म का मजा बिगड़ जाता है। हिंदी डब वर्जन में डायलॉग भी काफ़ी हद तक बदल दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई इमोशंस नज़र नहीं आता है और डबिंग में भी कोई दम नज़र नहीं आता है। इस लिस्ट में आने वाली पाँचवीं मूवी है वो है RX100। RX100 2018 की तेलुगु रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है अजय भूपति ने। मूवी के लीड रोल में कार्तिकेय गुमाकोंडा, पायल राजपूत, राव रमेश। इस मूवी को कन्नड़ा लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में रीमेक बनाया जा रहा है और कन्नड़ा लैंग्वेज में सिवा 143 के नाम से और हिंदी लैंग्वेज में तड़प के नाम से इस मूवी का रीमेक वर्जन बनाया जा रहा है। इस मूवी के हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट किए साजिद नडियाद्वाला, मिलन लुथरिया और फॉक्स स्टार स्टूडियो ने और तड़प मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मिलन लुथरिया। मूवी के रोल में आपको सुनील शेट्टी के बेटे यानी कि हंस शेट्टी, तारा सुतरिया, सिकंदर खेर और शरद सक्सेना देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। शिवा जो एक गांव में रहने वाला लड़का है जिसे इंदु से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जब उनके प्यार की बात उनके पेरेंट्स को बताने की बारी आती है तब उससे पहले एक बहुत ही बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। आखिर में वो ट्विस्ट क्या है और उसे ये कपल कैसे हैंडल करेगा और फिल्म के आखिर में क्या होगा, यही बातें फिल्म की स्टोरी बनाती है जिसमें आपको कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। तड़प मूवी के अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आई है, लेकिन मेकर्स ने इस मूवी को 2020 में रिलीज करने का वादा किया हुआ है। वैसे तो इस मूवी का हिंदी डब वर्जन यानी कि RX100 का हिंदी डब वर्जन आपको वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में आने वाली छठी मूवी है वो है इजरा। इजरा 2017 की मलयालम हॉरर सुपर नेचुरल फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया है जय के कृष्णन ने। मूवी के लीड रोल में पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रिया आनंद, सुजीत शंकर, टोविनो थॉमस और सुदेव नेर, जिसके हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट किए टी सीरीज और पेनोरमा स्टूडियो ने। इस मूवी के डायरेक्शन के लिए इजरा फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर यानी कि जय कृष्णन को ही सिलेक्ट किया हुआ है। इस मूवी के लीड रोल में आपको इमरान हाशमी, निकिता दत्ता, मानव, विपिन और इवान रोड्रिगस देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। राजन और मिया वो एक मैरिड कपल है जिन्होंने एक एंटिक बॉक्स किसी डीलर के पास से लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अब नॉर्मल इंसिडेंट महसूस करने लगते हैं और उसके बाद वो एंटिक बॉक्स की छानबीन करने लगते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक डीपक बॉक्स है। अब वो लोग उस डीपक बॉक्स के पीछे की हिस्ट्री पता करने लगते हैं, तो अब वो इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे वही मूवी की स्टोरी बनाता है। इजरा को सेम नाम के ही साथ हिंदी में रीमेक बनाया जा रहा है जिसकी शूटिंग 18 जुलाई 2019 को स्टार्ट हो चुकी थी मॉरिशियस में और ये मूवी आपको 2020 में ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं आई है। वैसे तो मलयालम मूवी इजरा का हिंदी डब वर्जन स्टार गोल्ड पे प्रीमियर हो चुका है
और ये मूवी आपको हॉटस्टार पे भी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में आने वाली सातवीं मूवी है, वो है कैदी। कैदी 2019 की तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है लोकेश कंगराज ने। मूवी के लीड रोल में कार्तिक नरेन, दीना, जियोज मारियन और अंजुम दास। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसे खरीदा हुआ है रिलायंस एंटरटेनमेंट और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने, जिसका हिंदी टाइटल, स्टार कास्ट और डायरेक्टर अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। और ये मूवी आपको शायद 2021 तक देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में आने वाली आठवीं मूवी है, वो है थड़म। थड़म 2019 की तमिल ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है मगिल थिरुमेनी ने। मूवी के लीड रोल में है अरुण विजय, विद्या प्रदीप, स्मृति वेंकट, तानिया होप। इस मूवी को दो लैंग्वेज में रीमेक बनाया जा रहा है, पहला तो है तेलुगु और दूसरा है हिंदी। तेलुगु में इस मूवी को रेड नाम से रीमेक बनाया जा रहा है, जिसके लीड रोल में आपको राम पोथिनेनी, निवेदा पेथुराज और अमृता अय्यर देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले किशोर तिरुमाला। ये मूवी आपको 9 अप्रैल 2020 में तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है। अब बात करें हिंदी रीमेक की, तो इस मूवी के हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट किए हैं मुराद खेतानी और वाई नॉट स्टूडियो ने। कुछ सोर्स से पता चला हुआ है कि इस मूवी के लीड रोल के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को अप्रोच किया जा रहा है। जैसे इस मूवी की पूरी कास्ट फाइनलाइज होती है, वैसे इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। वैसे तो इस मूवी का हिंदी डब वर्जन ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, जो आपको थड़म के नाम से आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में आने वाली अगली मूवी यानी कि 9वें नंबर पे आने वाली मूवी है किरिक पार्टी। किरिक पार्टी 2016 की कनाडा कैंपस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। मूवी के लीड रोल में है रक्षित शेट्टी, रश्मिका मंदना, संयुक्ता हेगड़े, अच्युत कुमार और अवंतिका अय्यर, जिसका है तेलुगु वर्जन में रीमेक बनाया गया है और हिंदी वर्जन के रीमेक राइट सोल्ड आउट किए गए हैं। तेलुगु में इस मूवी को किराक पार्टी के नाम से रीमेक बनाया गया है, जिसको 2018 में रिलीज किया गया था, जिसके लीड रोल में थे निखिल सिद्धार्थ, सिमरन पारिंजा और संयुक्ता हेगड़े, जिसका हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको सेम नाम यानी कि किराक पार्टी के नाम से आदित्य मूवीज वालों ने हिंदी डब करवाया हुआ है। इस मूवी के हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट किए धीराज वाधवान, अजय कपूर और वृतिका लवकार ने। और इस मूवी के हिंदी रीमेक राइट्स 2018 में ही खरीद लिए गए थे। और इस मूवी की शूटिंग कुछ कारणों की वजह से थोड़ी पीछे ली गई है, जिसको डायरेक्ट करने वाले अभिषेक जैन। और कुछ सोर्स की माने तो इस मूवी के लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में अगली यानी कि 10वें नंबर पे आने वाली मूवी है विक्रम वेदा। विक्रम वेदा 2017 की तमिल नियोनोर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने। मूवी के लीड रोल में है आर माधवन, विजय सेतुपति, श्रद्धा श्रीनाथ, काथिर और वारा लक्ष्मी शरद कुमार, जिसके हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और इस मूवी के हिंदी रीमेक राइट सोल्ड आउट किए है वाई नॉट स्टूडियो और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। और इस मूवी को हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर यानी कि विक्रम वेदा के ओरिजिनल डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री ही डायरेक्ट करने वाले हैं। मूवी के लीड रोल में आपको आमिर खान और सैफ अली खान देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी की शूटिंग लाल सिंह चड्ढा मूवी के रिलीज होने के बाद ही स्टार्ट की जाएगी। वैसे तो विक्रम वेदा का हिंदी डब वर्जन आपको गोलमेज टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में यही 10 ऐसी साउथ इंडियन मूवी है जिसका बॉलीवुड में हिंदी में रीमेक बनाया जा रहा है। तो और भी ऐसी साउथ इंडियन मूवीज की अपडेट के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।